और अब बात बेंगलुरु की। दरअसल फेसबुक पर एक भड़काऊ पोस्ट से बीती रात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हिंसा की आग में झुलस गई। भीड़ की हिंसा और आगजनी में 60 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 3 उपद्रवियों की भी मौत हुई। फिलहाल पूरे शहर में धारा 144 लागू है, जबकि 2 थाना क्षेत्रों में पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया गया है। के बवाल की वजह बना सोशल मीडिया का एक भड़काऊ पोस्ट। आरोप है कि कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नवीन ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखा, जिससे एक समुदाय विशेष के लोग भड़क उठे। पहले भीड़ ने थाने पर प्रदर्शन किया और जल्द ही ये भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई। उपद्रवियों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियां फूंकी, पुलिस के वाहन तोड़े और फिर कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के आशियाने को भी आग के हवाले कर दिया। हालात को बेकाबू होता देख शहर में धारा 144 लागू हो गई। डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के आसपास कर्फ्यू लग गया। भीड़ जब शहर में बवाल कर रही थी, पुलिस की बातें अनसुनी कर रही थी, सब कुछ खाक करने पर आमादा थी, मुसीबत की इस घड़ी में कुछ मुस्लिम युवकों ने हिम्मत दिखाई और यहां मौजूद एक हनुमान मंदिर की रक्षा का बीड़ा उठा लिया। हिंसक भीड़ से बेपरवाह इन युवकों ने मानव श्रृंखला बनाकर मंदिर को घेर लिया। मंदिर के रक्षा कवच बन गए। उपद्रवियों ने इस रक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश जरूर की।